नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ में अवनीश सर में। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्नों की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक महीना है लगभग सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे सिलेबस को सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज मैं 20 या 30 क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस कराऊंगा और ये पूरी सीरीज चलेगी 20 या 30 वीडियोस की, जिसमें हम सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं सी टेट में, अन्य स्टेट टेट में पूछे जा चुके हैं, और इन क्वेश्चन से ही भी और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा टॉपिक थ्योरी पूरी कवर होगी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और लगातार वीडियोज़ हमारी देखिए। नोटिफिकेशन नहीं आता तब भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोज़, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी बाल विकास सीरीज़, ठीक है, तो आप उसमें से देखिए। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सबसे अच्छी बात यह है, बिल्कुल सटीक, ठीक है, घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं होगी, सीधे सीधे आंसर आपको पता चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है चलना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल, तो देखिए किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता का होना, विकास होना गयात्मक विकास कहलाता है। तो सूक्ष्म गतिक या गयात्मक कौशल प्राप्त करने पर बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाते हैं। इसमें बालक विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखता है। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गतिक कौशल है का एक उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरा मिल गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये सीटेट 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो शारीरिक विकास के नियम बहुत सारे हैं। पहला देखिए ऑप्शन, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अनियमित विकास का नियमित, ठीक है, नियमित नहीं होता है हर प्राणी का विकास, ठीक है। शारीरिक विकास किसी का धीमी गति से होता है, किसी तीव्र गति से होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होते हैं। तो ये दो नियम होते हैं, एक तो सिर से पैर की ओर होता है विकास की जो अवस्था होती है, जो गति होती है, और दूसरा होता है निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर और सिर से पैर की ओर, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीटेट पेपर में आया था 2017 में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, दोनों को मिला के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा शारीरिक वृद्धि और विकास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी एग्जाम में अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अतः यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेक्स के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित होती हैं। तो मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 में बिहार टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड 7 8 या 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड होता है, 3.17 किलोग्राम होता है एवं इनकी लंबाई 19.5 होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। तो ये हमारा आ गया 7.5 का राउंड हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसके सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास वाला हमें देखना था, ठीक है, 7.5। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नायुमंडल, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र। कैसे? स्नायुमंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन का संबंध मानसिक विकास के क्षेत्र से है। तो आप समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ टेट में आया गया था ये। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक और गयात्मक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स, तो जो शरीर में वृद्धि होती है वो शारीरिक एवं गयात्मक विकास के कारण होती है। बाकी ये तीन जो दे रखे हैं, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास, ये मानसिक विकास के चरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73।
73 है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास का को प्रभावित करती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को इनमें से कोई नियंत्रित नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, यह स्वयं नियंत्रित होती है। एमपी टेट में आया, मध्य प्रदेश टेट में 2011 में, देखिए अलग अलग एग्जाम में। अब देखिए कुल मिला के अगर आप बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की बात करें तो लगभग 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यही 1000-1500 क्वेश्चन बार बार घूम फिर के इधर उधर, ठीक है, कभी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी किसी एग्जाम में कोई इनमें से ही कोई क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछ ले जाता है। चीज़ यही है, कॉन्सेप्ट यही है, जो मनोवैज्ञानिक थे वो कॉन्सेप्ट देके चले गए, अब उनमें नए जो सुधार हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये पहले से ही जो स्थापित है उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जितने पूरे पुराने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं, तो ठीक है, तो निश्चित है, इसलिए जो निश्चित है उनको पढ़ लीजिए। व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है, उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा गया है। वैरायटी देखिए क्वेश्चंस की कितनी वैरायटी है। आप लगातार हमारे चैनल से अगर 30 दिन जुड़ गए तो सी टेट का मान के चलिए बाल विकास वाला पोर्शन आपका 100% 25 प्लस में हो जाएगा, और यूपी टेट का तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, उसमें तो हो ही जाएगा। अब देखते हैं, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, सीखना पक्ष जो है गतिक क्षेत्र में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है ये देखते हैं। उन क्रियाओं पर नियंत्रण जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती हैं, जैसे चलना, खड़ा होना आदि। इसके बाद उत्कृष्ट गतिक विकास होता है, जैसे वस्तु तक पहुँचना, छूना और पकड़ना आदि। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का करना पक्ष जो है सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो वीडियो कैसी लगी, जैसी अच्छी बुरी लगी आप कमेंट करके फ्रेंड जरूर बताइए, और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, हमें फ़ायदा होगा तो आपको भी मैं मोटिवेट करता रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। घर में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं घर में, तो इसमें 280 दिन का कुल समय लगता है, सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन का होता है, ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने, ये पूछा गया है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों में, डिम्बावस्था पीरियड ऑफ ओव्यूम, पिंडावस्था पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय और भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ फिटस में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि जन्म पूर्व काल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2, 3, 4 या 5, तो 3 होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, देखिए अभी फिर से आ गया है क्वेश्चन यूके टेट में, इससे पहले भी आया था, ठीक है, कौन से एग्जाम में आप देखिए बैक करके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गतिक कौशल जो लिखने में आता है, लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना शरीर आदि गतिक कौशल है। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल है और ये गतिक कौशल है, सूक्ष्म का मतलब आप समझ गए हो। देखिए यूके टेट में भी आया, सी टेट 2012 में आया था, फिर 2014 में पूछ लिया, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड थे विकास से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, मानसिक विकास से और शारीरिक विकास से संबंधित जो प्रश्न थे अभी तक अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डिस्कस करा दिए। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीरीज चल रही है, इस सीरीज को जरूर आप रेगुलर देखिए।